हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इन दोनों गेमर चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूँ प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में। तो ये एक रूमर है जो यूबीसॉफ्ट ने लॉन्च नहीं किया, एक रेडिट में डाला है इन्होंने। तो रूमर ये है प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में। यूबीसॉफ्ट हमें बता रहा है कि वो काम कर रहा है प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम ट्रिलॉजी का रीमेक बनाने के लिए। तो जिस लोगों ने सैंड्स ऑफ टाइम ट्रिलॉजी खेली है उनको पता ही होगा कि कितनी बढ़िया गेम थी हमारी सैंड्स ऑफ टाइम ट्रिलॉजी। तो उसको ये रीमेक कर रहे हैं और बढ़िया बेहतरीन ग्राफिक्स और बेहतरीन मूव मेरे ख्याल से चेंज करेंगे, तो नया कुछ तरीके से ये लाना चाह रहे हैं। ये उनके लिए बेटर है जो उन्होंने सैंड्स ऑफ टाइम ट्रिलॉजी नहीं खेली है, और उनके लिए भी बेटर है जो खेल चुके हैं, जैसे कि मैं तो यह खेल चुका हूँ। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है सैंड्स ऑफ टाइम ट्रिलॉजी, प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विथिन एंड द टू थ्रोन्स, तीनों के तीनों सीरीज बहुत ही बढ़िया थी। तो यूबीसॉफ्ट कर तो रहा है काम इस पर। ये उन्होंने किया कहा है कि ये जो सीरीज़ है ट्रिलॉजी, ये 2021 तक शायद आ जाए। एक्चुअली गाइज, ये अभी पक्की न्यूज़ नहीं है, ये रूमर ही है ये कि काम कर रहे हैं। खैर, यूबीसॉफ्ट ने खुद बताया, अब ये पता नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये मतलब पता नहीं 2021 तक ये प्रिंस ऑफ पर्सिया की गेम आएगी क्यों नहीं, आएगी है कि नहीं। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूबीसॉफ्ट जो है प्रिंस ऑफ पर्सिया की नई गेम लॉन्च करे, बट वो पुरानी गेम पर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक नई गेम करते शुरू और नई स्टोरी मिलती देखने को, नया हमें प्रिंस मिलता देखने को, तो थोड़ा मज़ा आता, पर वो पुराने गेम पे ही काम कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, कुछ नहीं यार, पुरानी गेम भी बहुत बढ़िया है। मैं चाह रहा था कि यार पुरानी गेम फिर से खेलूं, बट ये इसको रीमेक करके दोबारा से लेकर आएंगे तो मैं ज़रूर से खेलूंगा। आप भी गाइस ज़रूर से खेलना। तो इसमें कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया का जो सेंस ऑफ टाइम गेम था, उसकी जो मूव्स वगैरह थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बेकार से थे, एक जोगट मतलब कार्टून टाइप करके थे उसमें, एकदम क्या मतलब बताएं मैं आपको। तो मूव्स वगैरह अगर बेटर हो तो अच्छा होगा, जैसे कि रेजिडेंट डिविल 2 आपने देखा, और रेजिडेंट डिविल 2 का रीमेक कितना बढ़िया निकाला। अगर वैसा ही ये प्रिंस ऑफ पर्सिया ट्रिलॉजी सीरीज निकालते हैं ना रीमेक में, तो बहुत बढ़िया होगा वो। और हाई ग्राफिक का तो यार मज़ा ही अलग है, जब HD या फिर अल्ट्रा HD सेटिंग पे होगा, चलेगा गेम और बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा खेलने पर, एकदम दिल खुश हो जाएगा। वैसे भी अगर आप पुराने गेम खेलो ना, तो आप ट्राई कीजिए वॉरियर विथिन और टू थ्रोन्स, आपको पुराने गेम में भी मज़ा आएगा, पर नए गेम की तो बात कुछ और है। तो इसमें हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें नए मूव्स हो, नए हमारा प्रिंस तो खैर वही रहेगा, मूव्स हमारे नए, और क्या नाम है, साउंड्स वगैरह कुछ नए हो जाएंगे, और बाकी ऑल अराउंड चीज़ें ऐसे कि मिशंस वगैरह हैं और प्रिंस है हमारा और हमारे लेवल वगैरह बाकी सब शायद वही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ग्राफिक्स तो हमारी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये पता नहीं ये अभी ये 2021 तक ये लॉन्च करें कि नहीं करें। एक तो ह्यूमर ही है कि अभी कर दें लॉन्च तो बेटर ही रहेगा ये, और सब लोग वेट कर रहे हैं कब से प्रिंस ऑफ पर्सिया का, 2010 के बाद से प्रिंस ऑफ पर्सिया का सीरीज आना बंद कर दी थी, 2010 के बाद से 10 साल हो गए हैं अभी से, लॉन्च तो कर दो। इसी तरीके से डेविल मेक राय था हमारा जो 2013 में आया, उसके बाद से 2019 में आया है। खैर वो तो ज़्यादा टाइम नहीं, और प्रिंस ऑफ पर्सिया का तो बहुत टाइम हो गया गाइज, 10 साल बहुत होते हैं, 2010 के बाद से नहीं आया, लास्ट हमारा फॉरगॉटन सैंड्स आया था, उसके बाद से हमारा कोई प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम आया। तो गेम आएगा तो बढ़िया, मैं तो खेलूँगा, बहुत अच्छे से खेलूँगा, आप भी खेलिएगा। तो गाइज बस यही था आज के वीडियो में, एक प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में न्यूज़। आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, एक अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।